हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र का एक फेमस राइस जिसको मसाला भात भी कहते हैं। गुड़ी पड़वा आ रहा है तो मसाला भात बनाना तो बनता ही है, तो चलिए मिलकर बनाते हैं मसाला भात। मसाला भात बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मसाला भात। मसाला भात बनाने के लिए पहले हम मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हम पैन में 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून तिल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल जिसको स्टार अनिस भी बोलते हैं। अब हम इसमें डालेंगे खसखस 1/2 टीस्पून, लौंग 4 से 5, काली मिर्च 20 से 25 डालकर हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने से जो मसाला है हमारा वो जलेगा नहीं, अच्छे से भून जाएगा, तो इसलिए हमें मसाला जब हम भून रहे हो तो उस टाइम थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देना चाहिए। अब हम इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाला जब थोड़ी देर भून जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है। डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने के बाद इसको हल्का सा भुनना है, इसको ज़्यादा देर तक भुनना नहीं है। 10 से 15 सेकेंड तक भून के इसको फिर हम बाहर निकाल के इसको पीस लेंगे। ये आप देख सकते हो हमने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। ये कितना अच्छा हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। मसाले को हम साइड में रख लेंगे। अब चावल बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। चावल बनाने के लिए हम एक बड़ा सा पैन ले लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर लेंगे। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और घी थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता और 1/4 टीस्पून हींग डालकर हमें इसको अच्छे से भून लेना है। जब सरसों अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च। यहाँ पर हमने 1.5 टेबलस्पून जितना कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च लिया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। आज हम बिना प्याज और लहसुन के मसाला भात बना रहे हैं। अगर आपको प्याज वाला बनाना है तो अदरक और हरी मिर्च को डालने से पहले प्याज डालकर उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। उसके बाद हरी मिर्च और अदरक को कूट के डाल के उसको भुनना है। ये आप देखो कितने अच्छे से अदरक और हरी मिर्च हमारा भुन गया है। अब हम इसमें कटी हुई टमाटर को डालकर उससे 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज टमाटर को काट लिया था। टमाटर जब तक आधा गल जाए तब तक हमें इसको भुनना है। टमाटर आधा गल गया है। अब हम इसमें 8 से 10 काजू डाल देंगे। काजू डालने के बाद अब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स को भी डाल देंगे। यहाँ पर हमने गोभी, आलू, मटर और गाजर लिया है। अब सारे वेजिटेबल को कढ़ाई में डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। मसाला भात को सिर्फ मटर और टिंडली जिसको कुंदरू भी बोलते हैं उसको डालकर भी बना सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। सब्जी को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पाउडर मसाला। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से क्या होगा, कलर अच्छा आएगा। अब हम इसमें जो हमारा मसाला पीस के रखे थे उसको डाल देंगे। इसमें तीखी लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाले में लाल मिर्च को पीस लिया है। अब सारे मसाला और वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करके इसको 1 मिनट तक भुनेंगे ताकि मसाला जो है वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से मसाला और वेजिटेबल मिक्स हो गया है। अब हम इसके बाद इसमें डाल देंगे चावल। यहाँ पर हमने 1 कप चावल को 20 से 25 मिनट के लिए पानी में पहले से ही भिगोकर रख दिया था। हमने कढ़ाई में चावल डाल दिया है। अब हम इस चावल को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट तक इसको भुनेंगे। इस टाइम फ्लेम को हमेशा मीडियम में ही रखना है।
ये आप देख सकते हो चावल बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले के साथ। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड करना। हमने पहले से ही मसाले में भी सॉल्ट ऐड करा है, तो इस टाइम थोड़ा सा केयरफुल रह के सॉल्ट ऐड करना है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जिस कप में हमने चावल को मेजर करके लिया था, सेम उसी कप में हमें पानी डालना है। यहाँ पर हमने 3 कप पानी ऐड करा है। अगर आप इसको कढ़ाई में बना रहे हो तो 3 कप पानी इसमें ऐड करना। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाओगे तो 2.5 कप पानी ऐड करना है। जनरली चावल में क्या होता है, 1:2 रेशियो में पानी डालता है, 1 कप चावल तो 2 कप पानी। लेकिन ये जो मसाला भात है ये थोड़ा सा गीला रहता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। इसको अच्छे से मिला के हाई फ्लेम में इसे 1 उबाल आने तक हमें इसको पकाना है। जब इसमें 1 उबाल आ जाए इसको ढक लेना है। फिर इसको 20 से 25 मिनट के लिए पूरा लो फ्लेम में इसको पकाना है। 20 मिनट हो गए हैं, यह आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा चावल बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ऐड करने से इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम इसको अच्छे से चावल के साथ मिक्स कर लेंगे। यह आप देख सकते हो सब कुछ कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हो हमारा मसाला भात एकदम बनकर रेडी हो गया है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। इसको आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये मसाले भात को आप दही के साथ सर्व कर सकते हो, इसका टेस्ट दही के साथ और भी बढ़ जाता है। अगर आपको हमारी ये मसाला भात की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे जो हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने मन पसंदीदा रेसिपी का सजेशन भी दे सकते हो जिसका वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज।